The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। तमाम कोशिश के बावजूद मेरठ के कुछ थाना क्षेत्रों में गौकशी की घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं। आए दिन यहां गौकशी की घटनाओं को जंगल में अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस छानबीन में यह बात भी निकल कर आई है कि यहां गौकशी के बाद इसकी सप्लाई दिल्ली व शाहीन बाग में की जाती है। इसके अलावा ज़्यादातर शुक्रवार व शनिवार को इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। समझा जा सकता है कि इतना लंबा रास्ता बिना पुलिस के मिलीभगत के सहजता से पूरा तो नहीं किया जा सकता। बीते दिवस हुई गौकशी की घटना के बाद विहिप व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव करते हुए करीब 5 घंटे तक धरना दिया। सभी ने इस बात पर आक्रोश जताया कि योगी सरकार में भी गौकशी पर पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है। मामला चूंकि गौकशी का था, लिहाजा पुलिस कप्तान ने चौकी हर्रा प्रभारी संजय कुमार समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इस दौरान गौकशी में शामिल रहे 3 लोगों के पैर में भी गोली लगी है। दरअसल जब पूरा देश जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मना रहा था, मेरठ के सरूरपुर के मैनापोठी गाँव के जंगल में गौकश अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे थे। ग्रामीण वहां पहुंचे तो अवशेष छोड़कर गौकश भाग निकले। इसे लेकर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। सीओ सरधना आरपी सिंह से जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो एसपी देहात केशव कुमार को कार्यकर्ताओं के बीच जाना पड़ा। देखिए, घरों में बढ़ गया, तीन गांव में तोड़ फोड़ करा लो। हर्रे में, खिवाई में, पांचली में और यहाँ एक गौकशी हो जाए, इन 3 गाँव पर कार्रवाई कर दो। देखिए, कल इन्होंने मेरे को इन गाँवों का नाम बताया था और वो सारे गांव कल रात में भी तमाम थाना क्षेत्रों में जो आप बता रहे हैं उन सबसे मैं अभी आपको फोटो दी है। जितने भी पुराने गोकस हैं उन सबको सत्यापन का पकड़ पकड़ के लाने का पूरा अभियान शुरू हो चुका है। जितने भी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। मैंने उदाहरण के तौर पे आपको रोहटा का बताया और यहाँ के लिए भी घटना के लिए प्रशासनिक दृष्टि से हमारे लिए तो बड़ा और इन्होंने आज के दिन फिर से गौकशी करी और कल परसों वाली का तो आपने कहा था कि अवशेष पुराना है, फिर हमने आपको ताज़ा भी दिखाया है और ये तो बिल्कुल ताज़ा ही है। एक घास काटने के लिए वहाँ गए और उन्होंने हमें सूचना दी, फिर उसके बाद भी हमने उन्होंने बताया कि हाँ ऐसी ऐसी घटना हो रही है। हमें ऐसा लगा कि शायद तो उसी समय SPRS साहब से कप्तान साहब से कम से कम इस पर 1 घंटे बात हुई और सबसे पहले तो इन्होंने बताया सर कि दुर्व्यवहार की शिकायत है शोकी चार की और अभिषेक के लेके सबका नाम लिए, अनुष्का लिए, दीपक लिए और वहाँ के जितने भी जनता थे उनसे मतलब कुछ दुखी हैं उनका व्यवहार से। उनके क्षेत्र में कल घटना हुई है तो सर इनका हटाना यहाँ से जरूरी है। बोलो ठीक है, आप एक रिपोर्ट दे दें। तो सर SPRS साहब ने यही से रिपोर्ट बनवाया, उनको भेज दो, सस्पेंड हो गए हैं, बल्कि अभिषेक साहब ने अभी डाल दिया है। और आपने ही कप्तान साहब ने, SPRS साहब ने पूरे जनपद को उन्होंने कहा कि आपके क्षेत्र में 5 साला हमारे पास गौकशी की लिस्ट है और जितने चाहे जेल के छूटे हों और चाहे पहले जेल जा सकते हैं, सबको खाने पिलाया जाएगा, सबका फोटो खींचा जाएगा और सबको मतलब डोजियर बनेगा। तो पूरा सर काम मतलब ये आज रात से लेके आज तक अभी चल ही रहा, बल्कि मैंने अभिषेक को भी दिखला है। और अभी सर रात में एक गौकशी घटना, अभी कप्तान साहब का फोन आया, मैं रास्ते में था, 3 को पैर में गोली लगी है, 3 को पैर में गोली मारी गई है और चौकी प्रभारी उसे सस्पेंड कर दिया, 3 जन 4 और अन्य को भी सस्पेंड करा गया। हमारे थाना के कौन है, क्या विषय है, मान लिया कल भी गौकशी हो रही है और आज भी गौकशी हो रही है, कहीं ना कहीं तो कमी है। और सर ये मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है कि फ्राइडे सैटरडे को मैं इनसे चाहे हमारे सभी जितने थाना देखते हैं दो दो गाड़ियां मतलब हुकर बजाते हुए कि हम नहीं अगर पकड़ सकते हैं तो कम से कम होगी, क्योंकि मुझे मानो सर फ्राइडे सैटरडे को मतलब ये करते हैं सीधे शाहीन बाग और वहाँ कहाँ दिल्ली जाता है, इसी को मुझे आभास है। इस बारे में SP देहात केशव कुमार ने आज यह जानकारी दी। थाना क्षेत्र सरूरपुर में कल जो गांव है हर्रा और मैनापुट्टी, इसके बॉर्डर के जंगलों के आसपास कुछ गोवंश के अवशेष मिले थे। इसमें चौकी प्रभारी हैं और जो कुछ सिपाही हैं इनके द्वारा सतर्कता नहीं बरती गई है, लापरवाही बरती गई, जिसके परिणाम स्वरूप रिपोर्ट के आधार पर
एसएसपी साहब के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसमें जो चौकी प्रभारी हैं हर्रा के उनको और साथ के जो चार सिपाही हैं इनको निलंबित किया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।